टाटा मोटर्स ने अपनी पंच और अल्ट्रोज को सीएनजी में लॉन्च कर रही है, जिसमें आपको बूट के साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें दो सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ ही आ रही है। यहाँ पर पहले स्टेपनी हुआ करती थी, उसकी जगह टाटा इंजीनियर्स ने दो सिलेंडर को प्लेस कर दिया है दोनों ही पंच और अल्ट्रोज में, जो एक अच्छा पैकेज लोगों के लिए साबित हो सकता है। इसमें आपको वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाएगी देखने के लिए अल्ट्रोज में। वहीं अगर पंच की बात करें तो पंच भी देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। इसमें भी वही ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि पुट में स्टेपनी की जगह प्लेस किए गए हैं। इसमें भी आपको बोट के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कार की अगर इंटीरियर और फीचर्स की बात करें तो आपको सेम ही रहेंगे, बस इसमें भी एक इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। वहीं अगर और बात करें तो टाटा ने अपनी अल्ट्रोज रेसर को भी मार्केट में उतार दिया है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा टॉर्क और BHP के साथ जो मिलेगी। इसमें आपको बड़ी टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें, एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स अब मिलने लगे हैं, जो कि मार्केट में बलेनो और i20 को कड़ी टक्कर देंगे। इसमें ये वायरलेस चार्जर के साथ भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें।